हेलो दोस्तों, आज के डेट में मार्केट में 5000 से लेके 20000 तक के कम प्राइस में हम लोग को फ़ोन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम 1 लाख के फ़ोन से करें तो ये फ़ोन काफ़ी चीप प्राइस में मिलता है। तो इस फ़ोन का चीप होने का क्या रीज़न है? अपन ऑनलाइन फ्लैश सेल में कम प्राइस के चक्कर में 6GB रैम 128GB के चक्कर में अपन इस फ़ोन को लपक लेते तुरंत। तो कंपनी इतने कम प्राइस में हमको फ़ोन प्रोवाइड कैसे करती है? तो इस फ़ोन का इतना चीप होने का रीज़न क्या होता है? दोस्तों, फ़ोन का चीप होने का रीज़न इसके अंदर का हार्डवेयर होता है। इसके अंदर का हार्डवेयर या तो बैक डेटेड होता है या तो लोअर ग्रेड का होता है, जिसके कारण ये फ़ोन इतना सस्ते में मिलता है। दोस्तों, फ़ोन का स्पीड सिर्फ प्रोसेसर और रैम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके अंदर के और भी हार्डवेयर होते हैं जिसके ऊपर फ़ोन का स्पीड डिपेंड करता है। एक अच्छा सा प्रोसेसर मिल जाए, एक अच्छा सा रैम मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, फ़ोन का स्पीड सिर्फ प्रोसेसर और रैम के ऊपर डिपेंड ना करके फ़ोन के स्टोरेज के ऊपर भी डिपेंड होता है। ऐसा कैसे होता है? आप देखिए, अगर फ़ोन का प्रोसेसर जितने स्पीड में डेटा मांग रहा है उतने स्पीड में अगर फ़ोन का स्टोरेज डेटा भेज नहीं पाया तो कहीं ना कहीं फ़ोन में बॉटल नेक होगा। तो अगर फ़ोन में चीप क्वालिटी का स्टोरेज लगा है तो कहीं ना कहीं फ़ोन भी हैंग करने लगेगा, चाहे उसके अंदर कितना भी फास्ट प्रोसेसर और कितना भी फास्ट रैम लगा हो। फ़ोन के स्टोरेज टाइप में देखेंगे तो नॉर्मली हमको 2 टाइप के फ़ोन स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं, एक EMMC स्टोरेज, एक UFS स्टोरेज। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दोनों के वर्जन्स के बारे में बताऊंगा तो दोनों के स्पीड में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो EMMC स्टैंड्स फॉर एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। जी दोस्तों, इसको एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे 2012 में लॉन्च हुआ EMMC 4.5, जिसका रीड स्पीड 140 Mbps होता है और राइट स्पीड सिर्फ और सिर्फ 50 Mbps होता है। जी दोस्तों, इसके बाद अपन 2013 में लॉन्च हुआ 5.0 को देखेंगे तो इसका रीड स्पीड 250 Mbps है और राइट स्पीड 90 Mbps है। और इसके बाद 2015 में लॉन्च हुआ EMMC 5.1, जो कि EMMC स्टोरेज का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसका रीड स्पीड वही 250 Mbps है लेकिन राइट स्पीड में हमको थोड़ा सा इंक्रीज मिल जाता है 125 Mbps। तो इसके बाद अपन UFS के बारे में बात करेंगे तो UFS स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, और इसमें 2.0 का रीड स्पीड 350 Mbps है और राइट स्पीड 150 Mbps है। दोस्तों, यहाँ पे EMMC स्टोरेज का सबसे लेटेस्ट वर्जन का स्पीड भी कहीं ना कहीं UFS 2.0 के स्पीड से भी कम है। और इसके बाद UFS 3.0, जिसका रीड स्पीड 840 Mbps है और राइट स्पीड 250 Mbps है। जी दोस्तों, कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट है स्पीड में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, UFS 3.0 जिसका रीड स्पीड 2100 Mbps, मतलब 2100 Mbps है और राइट स्पीड 410 Mbps है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, UFS 3.0 कितना ज़्यादा फास्ट है। और इसके बाद एक मज़ेदार चीज़ और बताऊँगा, UFS 3.1 जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसका रीड स्पीड 2100 Mbps ही है लेकिन इसके राइट स्पीड में इंक्रीमेंट किया गया है 1200 Mbps। ये दोस्तों, आप देख सकते हैं UFS कहीं ना कहीं EMMC स्टोरेज का बाप है। तो यहाँ पे अगर आपको किसी फ़ोन में 5.1 देखने को मिलता है EMMC स्टोरेज का तो कहीं ना कहीं वो फ़ोन भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन उसके नीचे अगर कोई EMMC स्टोरेज देखने को मिलता है तो वो एक घटिया फ़ोन है। लेकिन आप अगर UFS को देखेंगे तो UFS का सबसे बैकवर्ड, सबसे पुराना वर्जन भी EMMC स्टोरेज के सबसे लेटेस्ट वर्जन के सामने कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ है। तो दोस्तों, यही रीज़न होता है किसी फ़ोन के सस्ते और महंगे होने का। तो अपन अगर फ्लैगशिप फ़ोन को देखेंगे तो उसमें EMMC स्टोरेज को यूज़ ना करके UFS स्टोरेज को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा की पॉइंट और बता दूँ, EMMC स्टोरेज हाफ डुप्लेक्स है और UFS फुल डुप्लेक्स है। तो यहाँ पे और एक बात आता है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब होता है? हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि आप एट ए टाइम या तो डेटा को रीड कर सकते हैं या तो डेटा को राइट कर सकते हैं, मतलब एक बार में या तो डेटा को आप दे सकते हैं या फिर उससे डेटा को ले सकते, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। जब आप अपने कंप्यूटर के साथ अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो फ़ोन से जब आप डेटा लेते रहते हैं तो आप कंप्यूटर से फ़ोन को डेटा दे नहीं सकते, मतलब उस टाइम आपका फ़ोन क्या दिखाएगा, सिस्टम इज बिज़ी। तो एक टास्क पूरा होगा उसके बाद ही दूसरा टास्क एग्जीक्यूट होगा, लेकिन UFS में ऐसा नहीं होता। UFS में क्या होता है
कि आपको फुल डुप्लेक्स मिलता है, मतलब एक टाइम में आप डेटा को रीड भी कर सकते हैं और उसी टाइम आप डेटा को राइट भी कर सकते हैं। मतलब आप अगर फ़ोन से डेटा ले रहे कंप्यूटर में तो उस सेम टाइम में आप कंप्यूटर से फ़ोन को डेटा दे सकते हैं। तो यहाँ पे UFS का एक और खासियत भी है, UFS कमांड क्यू को सपोर्ट करता है और EMMC कमांड क्यू को सपोर्ट नहीं करता। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आप कोई भी कमांड तीन चार्टों कमांड या तीन चार्टों कॉपी पेस्ट UFS में कर दिए तो उसमें डेटा को क्यू में रखा जाता है, मतलब एक टास्क पूरा होगा उसके बाद दूसरा टास्क पूरा होगा, तीसरा टास्क पूरा होगा, ऐसे ये सब चीज़ें UFS को याद रहता है। लेकिन EMMC स्टोरेज में जब तक एक टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसको दूसरा टास्क दे नहीं सकते। और दोस्तों आज के डेट में आप देखेंगे फ़ोन का कैमरा 4K 8K तक सपोर्ट करता है, तो 4K और 8K का जो डेटा राइट स्पीड होता है उसका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक सेकेंड में वो ज़्यादा डेटा भेजता है। तो अगर फ़ोन का स्टोरेज EMMC है तो उसमें उतना बैंडविड्थ का डेटा उसमें जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे UFS में आपको एक खासियत मिलेगा, आप 4K 8K का जो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसका डेटा एप्रोप्रिएटली और हाई क्वालिटी में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं UFS हमारे लिए फ्यूचर प्रूफ हो जाता है कि हम 4K 8K का डेटा अच्छी क्वालिटी में स्टोर कर पाएंगे। दोस्तों हम लोग अगर देखें तो UFS 3.1 का स्पीड जो हमारे कंप्यूटर में SATA SSD वगैरह लगा होता है उसका स्पीड से भी कई गुना ज़्यादा है। जो SATA SSD का मैक्सिमम स्पीड आपको 550 से 600 MBPS देखने को मिल जाएगा रीड एंड राइट स्पीड, लेकिन इससे दो या तीन गुना ज़्यादा UFS 3.1 का है। तो UFS 3.1 का स्पीड हम लोग कंपेयर करें तो हम कंप्यूटर के NVMe SSD के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज के डेट में हमारे फ़ोन में UFS स्टोरेज का होना कितना ज़रूरी है ये हमको पता चलता है। तो दोस्तों आई होप आप नेक्स्ट टाइम जब फ़ोन खरीदने जाएंगे तो सिर्फ उसका रैम और प्रोसेसर ही नहीं देखेंगे, उसके अंदर कौन सा स्टोरेज टाइप है वो भी देखेंगे, क्योंकि जितना अच्छा स्टोरेज टाइप होगा उतने अच्छे से कोई स्टोरेज प्रोसेसर को डेटा फीड करवा पाएगा और उतने हाई स्पीड में आप डेटा को रीड एंड राइट कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। मैं तब तक के लिए मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में।